क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होगा? 16 अक्टूबर को आलाकमान के सामने पेश होंगे गहलोत। मंत्रिमंडल और फेरबदल की अटकलें तेज, पायलट खेमे के विधायकों की दिल की धड़कन तेज। 16 अक्टूबर दशहरे के ठीक बाद गहलोत दिल्ली आलाकमान के सामने पेश होंगे, लेकिन क्या दिवाली से पहले पायलट खेमे की दिवाली मनेगी या गहलोत दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का आदेश और विधायकों के चेहरे पर मुहर लगाकर लौटेंगे तो पायलट खेमे में मुस्कान लौटेगी। वैसे गहलोत दिल्ली में होने वाली पार्टी कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। कोरोना लॉकडाउन के बाद अस्वस्थ का हवाला देने वाले गहलोत आखिरकार बाहर निकलेंगे और सीधे आलाकमान से मुलाकात करेंगे। वैसे हाल ही में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को गुजरात प्रभारी बनाया गया, तो क्या चिकित्सा मंत्री की जिम्मेदारी कोई और संभालेगा? इसका इंतजार है। लेकिन क्या दिल्ली से गहलोत सुलह का फॉर्मूला लेकर लौटेंगे या फिर कोई बड़ा आदेश लेकर वापस राजस्थान आएंगे? ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस वक्त पायलट खेमे की दिल के धड़कन तेज है, क्योंकि गहलोत का दिल्ली जाना इस बात के कयास है कि अब जल्द ही राजस्थान में लंबे वक्त से टल रहा मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का शुभ मुहूर्त शायद दीपावली से पहले आ जाए और हो सकता है कि पायलट खेमे के विधायकों को दिवाली का बोनस पहले ही मिल जाए।